अभी फर्स्ट हम लोग वर्ड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाईलाइट कलर सिलेक्ट करके
और उसके बाद हाईलाइट कलर, और उसके बाद सिलेक्ट करके लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और फिर टॉगल केस। ऐसे चेंज केस ऑप्शन है, इससे तुम लोग कैपिटल स्मॉल कैपिटलाइज ईच वर्ड ऐसे कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट को बुलेट अप्लाई करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, इधर से तुम लोग बुलेट अप्लाई कर सकते हो डिजाइन वाले बुलेट। ये देखो ये ऐसे कि रिमूव करना है तो बुलेट्स को सिलेक्ट करके सेंटेंस को इसमें नन करो तो ये रिमूव हो जाता। उसके बाद सिलेक्ट करके अलाइनमेंट में राइट लेफ्ट सेंटर और जस्टिफाई ऐसे तुम लोग अलाइनमेंट दे सकते हो। उसके बाद लाइन स्पेसिंग देना है, सिलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग 1.5 ये ऐसे। उसके बाद स्टाइल अप्लाई करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ और कोई भी स्टाइल अप्लाई करो तो ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ओके, टेक्स्ट को फाइंड करना है तो क्या होता है, फाइंड करने के बाद फाइंड करने के लिए टेक्स्ट में ऐड करना है और फिर ये देखो फाइंड आउट हो गया। अभी हमें रिप्लेस करना है तो वीडियो के बदले हमें ऐड करना है सपोज पिक्चर, तो पुराना टेक्स्ट हट जाएगा और न्यू टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो ऐसे नया टेक्स्ट ऐड हो गया, देखो वीडियो के बदले पिक्चर है। उसके बाद तुम्हें देखो इतना करके देखो फटाफट फटाफट करो, कोई भी फॉन्ट लो, बोल्ड करो, इटैलिक करो, ये तो है।
हो गया गूगल में मेरा हुआ। अभी देखो इंसर्ट टैब में टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल में जाके नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इंसर्ट टेबल में जाना है, कितने कॉलम कितने रो चाहिए वो इधर ऐड करना है और ओके करना है। अभी इसमें और रो इंसर्ट करना है तो लेआउट ऑप्शन में इंसर्ट बिलो ये देखो और कॉलम चाहिए तो जिधर चाहिए उधर क्लिक करके इंसर्ट लेफ्ट तो ये लेफ्ट हो गया। टेबल ऐसे इंसर्ट करना है टेबल मैंने ऐसे इंसर्ट किया। अभी देखो इसमें अगर सपोज तुम लोगों को टोटल वगैरह निकालना है, इधर मैंने वैल्यू ऐड की, अब मुझे टोटल इधर निकालना है तो लेआउट ऑप्शन में फॉर्मूला है उसमें जाके सम लेफ्ट ओके। अभी मुझे इधर की टोटल निकालना है, टोटल निकालना है तो फॉर्मूला में सम अबाउ इधर लेफ्ट और इधर अबव ओके। अभी टेबल को डिजाइन देना है तो टेबल को सिलेक्ट करो, डिजाइन में जाके टेबल डिजाइन दो, कोई भी टेबल डिजाइन अप्लाई करो। ये टेबल डिजाइन अप्लाई हो गया। उसके बाद हमें इंसर्ट टैब में तुम लोग मेरे साथ करोगे तो भी चलेगा, देख देख के वैसे करो फटाफट तीनों टॉपिक हो जाए। टेबल इंसर्ट करने के बाद नंबर ऐड करो ऐसे और वैल्यू लेफ्ट वैल्यू की टोटल निकालो अबव वैल्यू की टोटल। अभी इधर टोटल निकालना है तो क्या करना है देखो, फिर से देखो कोई भी नंबर डालो, फर्स्ट रो में डालो फिर एक कॉलम टेबल नंबर तो डाल, वो टेबल लाने के कौन सा Thank you.
अरे मैं आगे का दिखाती हूँ ना, मुझे अभी पिक्चर दिखाना।
ऐसे कैसे टॉपिक हो जाएंगे तीन तो, इसलिए मैं आगे ऐसे बोलो नहीं बताती। हाँ वही ना, इसका हो गया ना मैंने भी उसके लिए टेबल का साइज बढ़ाया ना। हाँ अभी देखो फिर से गूगल में देखो, अभी गूगल में देखो, अभी इधर अगर टोटल निकालना है तो लेआउट ऑप्शन में फॉर्मूला में सम अबव और ओके करना है। ये टोटल हो गई। अभी इंसर्ट टैब में तुम्हें पिक्चर लेना है, पिक्चर पे क्लिक किया, कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करो और इंसर्ट करो। ये पिक्चर इंसर्ट हो गया, इधर से उसे लेआउट से उसको सेट करना है और फिर साइज चेंज करना है। देखो पिक्चर इंसर्ट कर गया और लेआउट में सेट करो, उसे क्लिक करो कोई, और फिर देखो साइज कम हो गया तो। अभी ऑनलाइन पिक्चर चाहिए तो ऑनलाइन पिक्चर भी तुम लोग ले सकते हो। देखो इसमें ऑनलाइन पिक्चर में जाके कोई भी इमेज, कोई भी इमेज सिलेक्ट करो और इंसर्ट करो और फिर उसकी साइज चेंज करो। ऑनलाइन पिक्चर भी लेके देखो। प्लेस होल्डर है देखो, ये इधर से साइज, ये देखो गूगल में देखो, ये इधर से साइज बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। ये देखो लिया। अभी देखो आगे जाके शेप इंसर्ट करना है, कोई भी शेप लो। शेप लेने के बाद फॉर्मेट टूल्स आता है, शेप का फिल कलर चेंज कर सकते हैं इसमें से, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन में डैश अंडरलाइन उधर। अभी देखो उसे एडिट कर सकते हैं हम लोग एडिट पॉइंट से। ये देखो शेप मैंने एडिट किया, एडिट शेप करो। शेप भी लिया। अभी देखो इंसर्ट में स्मार्टर भी है, देखो
कोई भी स्टार्टर ले सकते हम लोग। डिजाइन में जाके देखो, डिजाइन ओपन होता है, डिजाइन में जाके कलर चेंज कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं हम लोग। ना एकाच एंट्री मध्ये दोन एंट्री आहेत ना, नाही ती पहिली काय करायची, कॅपिटल टू कॅश करायची आणि बिल्डिंग फर्निचर टू कॅपिटल अशी जेवी करायची। आया स्मार्टर भी प्राइस कम किया, ऐसा इंटर्न केला काम केला। कोई भी स्मार्टर इंसर्ट करो, कलर चेंज करो, सेम पेंट दो। आगे देखो, अभी इंसर्ट में हम लोगों ने स्मार्टर वगैरह सब देखा है। अभी मुझे टेक्स्ट को टेक्स्ट को सिलेक्ट करके तुम्हें ड्रॉप डाउन करना है। देखो ड्रॉप कैप, इंसर्ट में ड्रॉप कैप क्या होता है इससे देखो, ये देखो इतना टेक्स्ट ड्रॉप होता है या फिर इन मार्जिन होता है। नहीं मैंने कर्सर ही रखा है, कर्सर स्टार्टिंग के टेक्स्ट पे रखना है और ड्रॉप में जाके ड्रॉप ऑप्शन करना है। इंसर्ट में ड्रॉप ऑप्शन है देखो, और फिर से रिमूव करना है तो रन करके रिमूव कर सकते हैं। अभी हाइपरलिंक देना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक में गए, इधर एड्रेस ऐड किया www.google.com। इंसर्ट में लिंक में देखो, लिंक में हाइपरलिंक है, google.com ऐड किया और ओके किया, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया और लिंक ऐड हो गई। देखो अरे तुम्हें मैं सिखा रही हूँ और तुम लोग क्या काम कर रहे हो, मैं देख रही हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को मेरा ध्यान रहता है। करो करो कल मजा करोगे, ये देखो हमें अगर किसी टेक्स्ट को हाइपरलिंक देना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक में गए, इसमें लिंक ऐड किया google.com और ओके, तो ये कर्सर रखेंगे तो बराबर लिंक ऐड डिस्प्ले होगी। हाँ तो उस टेक्स्ट पे कर्सर रख, देख लिंक आती है www.google.com आए ना, फिर उसको राइट क्लिक करो, वही टेक्स्ट को राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक करना है। हो गया, अभी पेज को हेडर देना है। देखो पेज को हेडर देना है, इंसर्ट पे हेडर ऑप्शन है, देखो कोई भी हेडर सिलेक्ट करो, हेडर पे क्लिक करो, हेडिंग दो, हेडिंग ऐड करो, ये दिया हेडिंग। अभी इंसर्ट फुटर में जाओ, पेज नंबर है देखो ऑस्टिन, उस पे क्लिक करो तो ये पेज नंबर आता है। देखो इंसर्ट में फुटर में ये देखो ऑस्टिन आया ना,
इधर कुट रहा है ओके okay, अभी डिजाइन ऑप्शन है देखो ऊपर उसे क्लिक करो और क्लोज हेडर फुटर करो क्लोज हेडर फुटर इंसर्ट हेडर उसमें जाके हेडर ऐड करना है उसके बाद फुटर उसमें ऑस्टिंग करना है अभी डिजाइन टैब ओपन होता है देखो ऊपर डिजाइन टैब उस पे क्लिक करो और क्लोज हेडर फुटर लास्ट में देखो क्लोज हेडर फुटर लास्ट में हाँ इससे क्या होता है हेडिंग देखो आ रही है इधर फुटर भी पेज नंबर आ रहा है देखो आया समझ में हेडर फुटर कैसे इंसर्ट करना है इसके बाद डिजाइन टैब में पेज कलर अप्लाई करो कोई भी पेज कलर लो फिल इफेक्ट में टेक्सचर्स कलर भी है देखो अरे ऑनलाइन पीसी करते हैं ना पीसी सेंटर कोई भी टेक्सचर्स कलर है देखो कोई भी टेक्सचर्स कलर सिलेक्ट करो पेज कलर में लास्ट में देखो पेज कलर ऑप्शन है उसमें फिल इफेक्ट टेक्सचर्स कलर ऊपर टेक्सचर सिलेक्ट करो फिल इफेक्ट टेक्सचर्स कलर नीचे फिल इफेक्ट टेक्सचर्स कलर देखो अलग अलग कलर्स है कोई भी टेक्सचर्स कलर अप्लाई करो ऊपर अप्लाई करो अभी डिजाइन में पेज बॉर्डर भी है देखो पेज बॉर्डर में जाओ उसमें आर्ट वाली बॉर्डर लो आर्ट वाली बॉर्डर सिलेक्ट करो और ओके करो कौन सी आर्ट वाली हाँ कोई भी लो नीचे आर्ट है देखो आर्ट क्लिक करो कोई भी बॉर्डर हाँ कोई भी बॉर्डर लो सिलेक्ट करो वॉटर मार्क अप्लाई करो कस्टम वॉटर मार्क में जाके टेक्स्ट वॉटर मार्क में अपना नाम ऐड करो वॉटर मार्क में कस्टम वॉटर मार्क टेक्स्ट वॉटर मार्क उसमें टेक्स्ट ऐड करना है और कलर चेंज करके अप्लाई करके क्लोज करना है टेक्स्ट पे क्लिक करो टेक्स्ट वॉटर मार्क हां टेक्स्ट पे इधर कलर चेंज हाँ डालो ना कोई भी नाम डालो क्या वॉटर मार्क देखो ना मोबाइल में वॉटर मार्क गूगल में जा ये तभी है वाटर मार्क में जा कस्टम वाटर मार्क में टेक्स वाटर मार्क क्या अभी रिमूव करना है वाटरमार्क तो वाटरमार्क में जाके रिमूव वाटरमार्क रिमूव करो वाटरमार्क में जाके वाटरमार्क ऑप्शन में जाओ रिमूव करो पेज कलर भी नो कलर करो पेज बॉर्डर नन करो सब रिमूव करो
नो प्रॉब्लम, पेज बर्डन नन करो, हो गया सब रिमूव, पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं करने का तो रखो ऐसे आगे पहले जैसे। हाँ अभी सपोज एक आध अभी गूगल में देखो पैराग्राफ को हमें फोर कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो कॉलम में जाके मोर कॉलम में जाके फोर कॉलम करो और ओके करो। देखो अभी तुम्हारे पास पैराग्राफ है, करके देखो पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, पेज लेआउट में जाओ, कॉलम में जाओ, पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और पेज लेआउट में कॉलम में जाओ, मोर कॉलम में जाओ, मोर कॉलम करो या टू कॉलम करो चलेगा। ओके या अभी फिर से कॉलम में जाके वन करो फिर नॉर्मल हो जाएगा, कॉलम में जाके वन करो तो नॉर्मल हो जाएगा। आया एक्सेल ओपन करो, एक्सेल ओपन करो, नहीं नहीं टेबल
माउस ना मध्ये मध्ये थांबतो आणि बरं इकडे इकडे
अभी उसका टेबल है ना तेरे पास, तेरा सेव कर लो। इधर उसका टेबल सेव कर देखो जरा स्टूडेंट में आज तेरा लकीरे नहीं सभ्या रुका मैं तेरे को कॉपी कर निकल के आंसर अभी देखो नेम और सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू को सिलेक्ट करके इंसर्ट में कॉलम चार्ट क्रिएट करना है। कॉलम चार्ट क्रिएट करना है ठीक है। नेम सेमिस्टर वन सेमिस्टर टू को सिलेक्ट करके अभी नेम और दोनों सेमिस्टर वन और टू सिलेक्ट नेम और उसके बाद तुम्हें टोटल कॉलम को सिलेक्ट करके पाई चार्ट क्रिएट करना है। टोटल कॉलम को सिलेक्ट करके पाई चार्ट क्रिएट करना है। ओनली टोटल कॉलम गोल वाला जो चार्ट है ना वो क्रिएट करो। गोल वाला देखो टोटल को ही सिलेक्ट करके ओनली टोटल मैम टोटल ही नहीं मेरे पास नहीं नहीं ऊपर जाओ ऊपर जाओ टोटल कॉलम ओनली टोटल कॉलम सिलेक्ट करो पूरा और गोल वाला चार्ट क्रिएट करो वो पाई चार्ट हम आपने बोले हैं देखो और मैं खाता है वो छोटा कर और नीचे कर
क्या उसके बाद इंसर्ट में फॉर्मूला ऑप्शन में, फॉर्मूला ऑप्शन में देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था ना पास और फेल का रिजल्ट दिखाने के लिए। रिजल्ट निकालना है टोटल के एवरेज के आगे एक कॉलम में क्लिक कर उधर, हाँ निकाल उधर रिजल्ट। और गूगल में देख इसका देखिए तेरा फॉर्मूला में क्या क्या करूँ, बार बार तो बाहर की जाती है फिर क्या होता है। रुको रिजल्ट निकालना है, निकालो जिनको आता है वो निकालो, फॉर्मूला यूज करके इधर अभी इफ में क्लिक करना है, फॉर्मूला में जाके एफ एक्स फंक्शन पे जाना है और इफ पे क्लिक करके ओके करना है, टोटल को सिलेक्ट करो ग्रेटर देन शिफ्ट ग्रेटर देन टोटल को सिलेक्ट करो, एक ही सिंगल टोटल सिलेक्ट करो ग्रेटर देन 120 पास और फेल, और फेल और ओके करो। अभी हाँ देखो फिर से देखो इफेक्ट्स में जाना है, इस पे क्लिक करके ओके करना है, टोटल को सिलेक्ट करके ग्रेटर दैन 120 और फिर पास और नीचे आने के बाद फेल और ओके। आएगा देखो आया के देखो हो गया रिजल्ट। अभी मुझे टेक्स्ट को अपर में दिखाना है, अपर फंक्शन यूज करना है। देखो फॉर्मूला में अपर ओके करना है और ओनली नेम कॉलम का एक सिंगल सेल सिलेक्ट करो और ओके करो। फॉर्मूला में अपर ओके करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नेम कॉलम के रिकॉर्ड को और ओके, तो ये सब कैपिटल में आएगा। बाद में नेम सिलेक्ट करें।
परस बोला अभी आप पर ही किया हम लोगों ने अभी मुझे डेटा का अभी मुझे डिपार्टमेंट कॉलम क्रिएट करना है टेबल क्रिएट करना है डिपार्टमेंट का मैं इधर ऐड कर देती हूँ पहले परचेस रिटेल सेल्स फिर फाइनेंस और इसके बाद प्रोडक्ट अभी मुझे ये कॉलम में क्रिएट करना है सिलेक्ट करके डेटा में डेटा वैलिडेशन क्या किया देखो मैंने पहले साइट पे टाइप करके रखे फिर एक कॉलम में डिपार्टमेंट नाम दिया भैया तुम लोगों ने अभी देखो पहले आगे अभी मैं डिपार्टमेंट के नीचे ही सब कॉलम में सिलेक्ट कर देती हूँ और डेटा वैलिडेशन में लिस्ट सिलेक्ट करना है लिस्ट और सोर्स में वो जो टाइप किया हुआ लिस्ट है वो ऊपर लिस्ट सिलेक्ट किया सोर्स में ये सिलेक्टेड टेक्स्ट और ओके करना है देखो ये आया देखो दुकानात माल आणून आलेच 2 मिनिट नाही ज्यांना करायचे त्यांना आत पाठव रिकम यायचे ना देखो आम्ही इसमें तुम्ही ऍड करणार देखो ठीक से अभी देखो डेटा वैलिडेशन में लिस्ट सिलेक्ट करना है और उसमें सोर्स लेना है ये टाइप किया हुआ टेक्स्ट और ओके करना है तो आएगा बराबर ये सब मैंने सीखा के हो गया है लेकिन अभी तेरे को कुछ भी नहीं आता क्योंकि अगर ये हमारे पास ऐड रिकॉर्ड है ऐसे तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं एक्सेल में वो टाइप करने के लिए टाइम वेस्ट करते हैं कि डेटा वैलिडेशन वगैरह लीक है तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग कर सकते हैं चैनल पर आ रहा है ना हां बहुत
अरे एक्सेल काम करने वाले रहते हैं नहीं नहीं एग्जाम के लिए नहीं लेकिन जब एक्चुअल वर्क के लिए लोग काम करते हैं ना तो एक्सेल की बहुत सारी शीट रहती है 1000 करोड़ों का रिकॉर्ड रहता है और इसमें कितना टाइम करने बैठे वो ऐसे ही करेंगे हो गया अभी देखो मुझे हेडिंग को कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा सीरियल नंबर के इधर क्लिक करना पड़ेगा हेडिंग को कांस्टेंट रखना है व्यू में जाके फ्रीज पेन देखो हेडिंग कांस्टेंट हो गई व्यू में फ्रीज सिलेक्ट करने का ना ऊपर का जो सेशन है वो छोड़ के सिलेक्शन कर दो हो गया फ्रीज अभी अनफ्रीज करके फिर से नॉर्मल कर सकते हो गया आया इतना समझ में अभी पावर पॉइंट की उस दिन की हम लोग स्लाइड ओपन करते हैं उसमें क्या क्या ऐड करना है वो देखते कल तो मैंने बताया तुम लोगों को एक्सेल बंद करो अभी पावर पॉइंट ओपन करना है अभी देखो पावर पॉइंट हम लोगों ने प्रेजेंटेशन क्रिएट किया था इसमें हमें हेडर फुटर भी इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में हेडर फुटर ऑप्शन भी है देखो इसमें डेट एंड टाइम स्लाइड नंबर फुटर में अगर टेक्स्ट चाहिए तो फुटर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं हाँ वही ना हेडर फुटर बताया ना अभी हेडर में डेट एंड टाइम फिर स्लाइड नंबर फुटर और अप्लाई टू ऑल तो सब स्लाइड पे ऑटोमेटिकली आता है हेडर फुटर सब स्लाइड पे ऑटोमेटिकली आता है और ये डिजाइन टाइम में स्लाइड चेंज होती है स्लाइड की साइज डिजाइन में कस्टम स्लाइड साइज में स्लाइड साइज चेंज करते पोर्ट्रेट या लैंडस्केप उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड में उसे बैकग्राउंड कलर देना है तो ये ग्रिड लाइन फिल पिक्चर टेक्सचर्स पैटर्न फिल ये सब आप लोग जाना मतलब अपने लोगों का ऑनलाइन पिक्चर्स में से नहीं इंसर्ट में ऑनलाइन पिक्चर उसमें से सर्च किया और इसमें ऐड किया इंसर्ट में हेडर फुटर में जाके डेट एंड टाइम स्लाइड नंबर और फुटर और अप्लाई टू ऑल करने उसके बाद शेप कोई भी चाहिए तो शेप पे क्लिक करो और शेप ऐड करो हो गया उसके बाद होम में स्लाइड को फॉर्मेट करना टेक्स्ट को फॉर्मेट करना ये सब इसमें ऐड करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन में स्लाइड मूवमेंट स्लाइड को मूवमेंट देना है तो आप लोग ट्रांजेक्शन इफेक्ट सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं या ऐसे कोई भी इफेक्ट दो अनकवर उसके बाद और स्लाइड को रिपल उसके बाद पुश और फिर एनिमेशन इफेक्ट देना है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एनिमेशन इफेक्ट टेक्स्ट इफेक्ट शेप इफेक्ट को देना है तो आप एनिमेशन दे सकते हैं बहुत सारे इफेक्ट है देखो आपने कल दिखाया था लास्ट तक
टीचर को शेफ को अभी अगर हम लोग स्लाइड शो रन करेंगे टाइम सेट करके तो व्यू में जाके देखो
और कल तुम लोगों को टाइम पे आने का है। तो बढ़िया है। हाँ।